हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट यूनिट ऑफ योर बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाउ दिस लास्ट यूनिट 3 कंप्राइजेस ऑफ एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स। तो फर्स्ट वी विल सी एम्पलीफायर्स एंड देन वी विल प्रोसीड विद ऑसिलेटर्स। नाउ टू स्टडी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर we should know some of the things like what is a load line, how we can bias the transistor, how we can stabilize the biasing of a transistor. These things we should know before starting with amplifiers. So first we'll see the introduction here. A transistor may be used in different circuits for different purposes. Transistor jo hai hum different circuits mein usko use kar sakte hain for the different purposes. Now there are different applications of transistors. Here we will basically study the applications of transistor. Now these amplifiers, oscillators, these are basically the different applications of transistors. When we use a transistor to increase the input voltage or power, then it becomes an amplifier. Now when the transistor is used to increase the voltage or power level of an incoming signal, it is known as amplifier. ठीक है? And when it is used to generate sine or square waves, then we usually say that transistor जो है now it is acting as an oscillator. तो हम different circuit diagrams जो है वो study करेंगे कि how we can use transistor as an amplifier, how we can use transistor as an oscillator. ठीक है, सो बिफोर वी लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स इन डिटेल्स, वी शुड नो समथिंग अबाउट द लोड लाइन, समथिंग अबाउट डीसी लोड लाइन, एंड वी शुड ऑल्सो नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीलिंग विद द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड्स एंड द डीसी बायसिंग ऑफ द सर्किट्स। तो अब हम एम्पलीफायर शुरू करने से पहले, सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, टुडे वी विल सी व्हाट इज अ लोड लाइन, व्हाट इज डीसी लोड लाइन। ठीक है, फिर हम देखेंगे बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में हम देखेंगे द बायस स्टेबलाइजेशन, हाउ टू स्टेबलाइज द बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, जिसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे वी कैन स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट इन केस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट वील स्टडी विद द लोड लाइन। देखो, लोड लाइन शुरू करने से पहले यू ऑलरेडी नो द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में जो है यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में फॉर अ गिवन इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर वी विल कंसीडर द ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ले रहे हैं, इसका मतलब जो उसकी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो किसके बीच में है, वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फॉर अ गिवन और फॉर अ कॉन्स्टेंट बेस करंट। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉमन एमिटर सर्किट है। ठीक है, व्हाट वी हैव अ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एमिटर जो है इट इज एक्टिंग एज अ कॉमन टर्मिनल बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। इनपुट जो है हमारा दैट इज रिप्रेजेंटिंग, जो इनपुट करंट है दैट विल बी द बेस करंट आई बी, और जो इनपुट वोल्टेज है हमारी वो होगी वी बी ई, द बेस टू एमिटर वोल्टेज। सिमिलरली हमारा जो आउटपुट करंट होगा दैट विल बी द कलेक्टर करंट आई सी, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी वी सी ई, विच इज द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। एंड वी हैव अ लोड रेजिस्टर आर एल हेयर वेयर वी यूजली मेजर द output। ठीक है, and here we have two DC supplies, one is VBB, next is VCC। VBB हमारा क्या कर रहा है, this is used to forward bias the emitter base junction। ठीक है, emitter base junction को ये forward bias कर रहा है। and what is the function of VCC power supply, this power supply is used to reverse bias the collector base junction। ठीक है, तो हमारा जो एमिटर बेस जंक्शन है दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड, और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है दैट इज रिवर्स बायस्ड, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन एमिटर सर्किट। आई होप ये सबको क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट दिस सर्किट वी विल स्टार्ट विद द लोड लाइन. देखो जब भी हम ट्रांजिस्टर सर्किट जो है उसको स्टडी करते हैं और जब उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं तो हम क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द आउटपुट करंट फॉर वेरियस आउटपुट वोल्टेजेस. ठीक है, यहाँ पर हमारा आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट, आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. सो बेसिकली इन द ट्रांजिस्टर सर्किट एनालिसिस इट इज जनरली रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कलेक्टर करंट फॉर वेरियस कलेक्टर एमिटर वोल्टेजेस फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. व्हाई डू वी नीड इट फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. तो इसका एक मेथड क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेजेस. एक मेथड क्या है, सिंपली प्लॉट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइन द कलेक्टर करंट एट एनी डिजायर्ड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. कि हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको प्लॉट करें और उसमें से वी कैन डिटरमाइन कलेक्टर करंट एट एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. एक तो ये तरीका होता है. एक और तरीका होता है, अ मोर कन्वीनियंट मेथड दैट इज नोन एज द लोड लाइन मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. एक लोड लाइन मेथड भी होता है. लोड लाइन मेथड हमारा क्या होता है, इन दिस मेथड वी बेसिकली ड्रॉ अ लाइन on the output characteristic curve. We draw a line on the output characteristic curve. और उस line को हम बोलते हैं the DC load line. ठीक है, DC load line क्यों कहते हैं हम, because here no signal or no input AC signal जो है has been applied. यहाँ पर देखो हमारे पास सिर्फ एक DC supply है VBB. हमने यहाँ पर कहीं पर भी कोई input AC signal जो है apply नहीं किया है. ठीक है, नो इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड. सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज डीसी लोड लाइन. हमने कोई इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया. वी आर कंसीडरिंग अ कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट व्हिच इज शोन इन दिस फिगर 8.1. ठीक है, हियर नो इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड. सो देयरफॉर वी कैन से दैट DC conditions जो है that will prevail in the circuit. हमने कोई input AC signal लगाया है नहीं, सिर्फ DC power supplies है हमारे पास. So this means DC conditions जो है that will prevail in this circuit. Now output characteristics क्या होती है हमारी, this is the output characteristic curve. ठीक है, it can be shown by this figure 8.2. ठीक है, which is a plot between IC and VCE for different values of base current. ठीक है, वही हमने यहाँ किया. नाउ अब हमें क्या करना है, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमें एक डीसी लोड लाइन बनानी है. ठीक है, और वो जो डीसी लोड लाइन है उसके हर एक पॉइंट पे वी कैन गेट दी वैल्यू. ये जो हमारी ए बी है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी लोड लाइन. तो इस हर एक लाइन में, हर एक तो इस लाइन में हर एक पॉइंट हमें क्या दे रहा है, हर एक पॉइंट हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू दे रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वीसीई. अगर मैं ये पॉइंट ले रही हूँ तो यहाँ पे भी आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वीसीई. सो हाउ टू ड्रॉ दिस लोड लाइन, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे. फॉर दिस वी विल फर्स्ट अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द आउटपुट और द कलेक्टर सर्किट. हमारा जो आउटपुट सर्किट है वो कौन सा है, ये है. तो ये जो हमारा कलेक्टर सर्किट है इसमें नाउ वी विल अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द टोटल वोल्टेज वीसीसी जो है हमारी, दैट विल बी इक्वल टू, एक तो ये वोल्टेज होगी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वीसीई, प्लस जो हमारी वोल्टेज है अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस आर एल. करंट कितना हमारा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है द कलेक्टर करंट आईसी. तो हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस कलेक्टर और द आउटपुट सर्किट, दिस गिव्स द टोटल वोल्टेज वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई प्लस आईसी आर एल. वीसीसी हमारी टोटल वोल्टेज है बैटरी की दैट वी हैव अप्लाइड इन द कलेक्टर सर्किट. वीसीई हमारा क्या हो गया, दिस इज वी नो इज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज. और आईसी आर एल हमारा क्या है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आर एल. अब देखो इस इक्वेशन में हमारा जो VCC है और RL है, दे आर कॉन्स्टेंट्स
और जो हमारे VCE और IC हैं, दे आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारी किस तरीके की इक्वेशन हो गई, दिस इज काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इफ आई राइट इट इन दिस फॉर्म, आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, IC इज इक्वल टू माइनस VCE अपॉन RL प्लस VCC अपॉन RL, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है, हाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। हम जो IC RL है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और राइट हैंड साइड पे हम ले गए VCC माइनस VCE, फिर IC हमारा क्या होगा, VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RL। सो वी कैन राइट IC एज VCC अपॉन RL माइनस VCE अपॉन RL। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में IC जो है वी आर प्लॉटिंग अलोंग द y एक्सिस, और VCE जो है उसको हम प्लॉट कर रहे हैं अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। VCC और RL जो है हमारे कांस्टेंट है, हम सर्किट में जो लोड रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो जो हमें DC सप्लाई देगा वो भी हमारी कांस्टेंट होगी। So VCC and RL are constant and VCE and IC are variables. So we can say that this equation jo hai, this is the equation of a straight line which is known as DC load line. ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y एक्सिस पे तो वी आर प्लॉटिंग द कलेक्टर करंट IC, x एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग VCE, m इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप of this line and c is representing the intercept. तो इसमें क्या है, slope हमारा negative है, this is minus 1 upon RL, this is the slope minus 1 upon RL, intercept हमारा क्या है VCC upon RL, मतलब हम IC और VCE के बीच में एक straight line draw कर सकते हैं जिसमें हमारी slope तो होगी minus 1 upon RL और हमारा इंटरसेप्ट होगा VCC अपॉन RL। ये हमें पता चल रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ द डीसी लोड लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है टू ड्रॉ द लाइन वी प्रोसीड एज अंडर। फर्स्ट थिंग हमारी क्या कह रही है, In order to draw a line, what we basically need two end points of the straight line. फिर उन दोनों को अगर हम join कर देंगे, we'll get a line. तो so to construct a DC load line, what we require the two end points of this line. So for this, what we'll do? The first thing, when the collector current is zero, जब हमारा collector current zero होगा, हमारा ये है, हमें इसमें जो है DC load line बनानी है. This is along y axis. IC collector current jo it is along the y axis and along the x axis we have VCE the collector to emitter voltage. Ab hame in dono ke beech mein ek load line banani hai, theek hai, and we know this equation VCE is equal to VCC minus IC RL. So from this equation when IC is zero VCE becomes VCC, matlab hame ek point mil gaya VCE par, ye ek point hai, theek hai, which is equal to VCC. At this point our IC is zero, so we got the one end point of the straight line. Now to get the second end point of the straight line we have to put VCE equal to zero. So when I put VCE equal to zero, what will I get? I'll get IC is equal to VCC upon RL from this equation. So when VCE is equal to zero, IC is VCC upon RL. VC हमारा zero कहाँ है? VC is zero along the y axis. तो when VC is zero, IC हमारा आया VCC upon RL. मतलब हमें दो end points मिल गए. अब अगर हम इन दोनों end points को join करेंगे, we'll get a line. This line is known as DC load line. ठीक है, डीसी क्यों कहते हैं हम, बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड एनी इनपुट एसी सिग्नल, सो ओनली द डीसी कंडीशंस आर प्रिवेलिंग इन द सर्किट, सो दिस लोड लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज डीसी लोड लाइन, ठीक है। और देखो यही चीज हम इस इक्वेशन से अगर देखें, हमारी ये जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स सी प्लस फॉर्म प्लस सी के फॉर्म में, वाई एक्सिस पे वी हैव आई सी, एक्स एक्सिस पे वी हैव वी सी ई, इंटरसेप्ट हमारा कितना है VCC upon RL, देखो यही हमारा इंटरसेप्ट आया,
वीसीसी अपॉन आरएल। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो हमारी लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो हमारी वाई एक्सिस के अलोंग जो है कितना है, कहाँ से शुरू हो रही है। सपोज अगर मेरे पास ये ग्राफ है और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन का इंटरसेप्ट ये होगा वाई एक्सिस के अलोंग ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ओरिजिन से कितनी लेंथ पे कट कर रही है ओरिजिन से, दैट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर, तो इसकी ओरिजिन से लेकर जहां ये वाई एक्सिस को कट कर रही है वहां तक इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज वीसीसी अपॉन आरएल। तो यहाँ पर हमारा यही इंटरसेप्ट आया, ठीक है। और स्लोप क्या होगी इस लाइन की, द स्लोप इज -1 अपॉन आरएल। सो वी गॉट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन फॉर्म अ प्रॉपर लाइन दैट इज नोन एज द डीसी लोड लाइन, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है वीसीसी, दिस point is known as the cutoff point, ठीक है। When VCE is equal to VCC, this point is known as the cutoff point, and this point, when IC is equal to VCC upon RL, this point is known as the saturation point, ठीक है। इसका ध्यान रखना, VCC is known as the cutoff point, and VCC upon RL, जो हमारा second ये जो point है, this is representing the saturation point. This point is representing the cutoff point. This point is representing the saturation point. Okay, so by joining these two points, the DC load line is obtained. So from DC load line, what we will get? The DC load line, jo hai, it will give the values of IC and VCE corresponding to zero signal conditions. Why I am saying zero signal conditions? Jab humne koi input AC signal jo hai apply nahi kiya, us case mein डीसी लोड लाइन जो है उससे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट करस्पोंडिंग टू द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो यही हमने सबसे पहले बोला था कि जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसकी हेल्प से वी कैन गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। फिर हमने बोला था एक दूसरा अल्टरनेटिव भी होता है, दैट अनदर अल्टरनेटिव इज नोन एज द डीसी लोड लाइन। तो यहाँ हमने देखा व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ डीसी लोड लाइन देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट फॉर द करस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोड लाइन, एंड दिस द स्लोप ऑफ दिस लोड लाइन इज -1 अपॉन आर एल, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो द डीसी लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, द कर्व बिटवीन आईसी एंड वीसीई, इसमें जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है, व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज applied. Now the DC load line jo hai, it may be used to find, this is not fund, the DC load line may be used to find the collector emitter voltage corresponding to any value of collector current. This is not collection current, this is collector current. Okay, so at from different points on the DC load line, we can get the different values of collector current for the different values of collector to emitter voltage. Now ab hum kya karenge? We shall further understand the importance of this line during discussion on the biasing of a transistor in the next article. Now, अब जो हमारा next topic है, that is the biasing of a transistor. इस biasing of a transistor topic में हम देखेंगे that why do we need a load line? What is the importance of this load line? देखो हर एक पॉइंट जो हमारा होता है ना, हर एक पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग हमें एक आईसी और एक वीसीई की वैल्यू मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। डीसी लोड लाइन पे जो हमारा हर एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड द वैल्यू ऑफ वीसीई, तो वो जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। अब एग्जैक्टली ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है, it is the point on the DC load line which represents the DC collector emitter voltage and the collector voltage in the absence of an AC signal, or we can say that the zero signal values of IC and VCE are known as the operating point. Why I am saying the zero signal values, because here we have not applied any input AC signal.
नाउ अब हम देखेंगे इसको इन डिटेल. बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द पर्पस ऑफ डीसी बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू ऑब्टेन अ सर्टेन डीसी कलेक्टर करंट एट अ सर्टेन डीसी कलेक्टर वोल्टेज. कलेक्टर वोल्टेज मीन्स कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. नाउ दीज फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन ऑपरेटिंग पॉइंट कॉल्ड क्विसेंट पॉइंट. ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हम क्विसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट भी कहते हैं. क्विसेंट का मतलब होता है साइलेंट. इसको हम साइलेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑन द ICVCE कैरेक्टरिस्टिक कर्व व्हेन द ट्रांजिस्टर इज साइलेंट. साइलेंट मीन्स मतलब when it is in the absence of the input AC signal. Only the DC conditions are prevailing in the circuit. That means we can say that transistor is silent, that is in the absence of AC signal. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है डीसी लोड लाइन पे इन द एब्सेंस ऑफ एसी सिग्नल, दिस पॉइंट इज नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट और द क्विसेंट और द साइलेंट पॉइंट. ठीक है, और ये पॉइंट हमें क्या देता है? इट गिव्स डीसी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज and the collector voltage. ठीक है, next different circuits we are used to obtain this point are called the biasing circuits. जो हम अलग अलग circuits जो है वो बना, अब आगे जाके हम यही करेंगे. biasing of a transistor पढ़ने के बाद we'll study the different types of biasing circuits. और वो हम क्यों करते हैं? to obtain the stabilized operating पॉइंट. जो हमें ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमें स्टेबलाइज्ड ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ऑब्टेन करने के लिए वी बेसिकली कंसीडर अ बायसिंग सर्किट. नाउ विद द डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स अ ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन डिफरेंट मोड्स. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी. हमारे पास थ्री टाइप्स के मैंने ऑपरेटिंग मोड्स बताए थे, सैचुरेशन, एक्टिव एंड कट ऑफ. सैचुरेशन मोड में जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है दोनों ही फॉरवर्ड बायस होते हैं. एक्टिव मोड में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स बायस होता है. ठीक है, और कट ऑफ मोड में हमारा जो दोनों ही जंक्शन है एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस बोथ आर रिवर्स बायस्ड. एक और ऑपरेटिंग मोड होता है इनवर्स, जो मैंने नहीं बताया था अभी तक. इनवर्स मोड में क्या होता है? एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है. एंड जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं दे आर नॉट जनरली ऑपरेटेड इन इनवर्स मोड. ट्रांजिस्टर्स को हम यूजुअली इनवर्स मोड में स्टडी नहीं करते. इसी वजह से मैंने जो है तुम्हें सिर्फ तीन ऑपरेटिंग मोड्स बताए थे, द सैचुरेशन, एक्टिव एंड कट ऑफ मोड. ठीक है, हमने जहाँ पे जो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहे हैं ये वाला ही देख लो. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सैचुरेशन रीजन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कट ऑफ रीजन, और जो हमारा रीजन है इन बिटवीन द सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन उसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं. सो इन द एक्टिव रीजन द एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. आई होप ये सब तुम लोगों को याद हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया है हमारा आईसी और वीसीई के बीच में फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट, द बेस करंट. ठीक है, फिर यहाँ पर एक लोड लाइन बनाई गई है, द डीसी लोड लाइन, जो हमारी एक्स एक्सिस को कट करती है एट वीसीसी, द कट ऑफ पॉइंट, और जो हमारी वाई एक्सिस को कट करती है एट वीसीसी अपॉन आरएल, द सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट हमारा कट ऑफ रीजन में आ रहा है इसलिए इसको कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, और ये पॉइंट सैचुरेशन रीजन में आ रहा है इसलिए इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं. ठीक है, नाउ द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रॉपर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल व्हेन यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. नाउ हमें जो है अब ये डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इसको स्टडी करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा अब जो मेन एप्लीकेशन है वो है टू स्टडी द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर द प्रॉपर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल. जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो हम फिर हम आउटपुट मेजर करेंगे, तो हमें जो आउटपुट सिग्नल चाहिए वो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए. एम्पलीफाइड मीन्स उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, और इतने से पावर जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी. सो व्हाट वी नीड द एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल.
एम्पलीफिकेशन ऑफ एन इनपुट सिग्नल. तो हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ठीक है, हमारा मेन फंक्शन क्या है, एम्पलीफिकेशन होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स जनरल शेप. जो हमारी शेप है इनपुट सिग्नल की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और जो हमें आउटपुट मिले वो हमें क्या मिलना चाहिए, एम्पलीफाइड मिलना चाहिए. जो हमारी इनपुट सिग्नल है उसकी हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसको एम्पलीफाई करना है, वोल्टेज जो है उसको बढ़ाना है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है. सो फॉर द प्रॉपर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल व्हाट वी नीड अ प्रॉपर बायसिंग. ठीक है, प्रॉपर बायसिंग के लिए वी शुड हैव द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट. को ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है इट विल फंक्शन प्रॉपरली अगर उसका एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है इट विल रिमेन फॉरवर्ड बायस्ड, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है द आउटपुट सर्किट जो है हमारा इट शुड रिमेन रिवर्स बायस्ड एट ऑल द टाइम्स. अगर हमारा ये हो जाता है कि हमारा जो इनपुट सर्किट है दैट रिमेन्स फॉरवर्ड बायस्ड और जो आउटपुट सर्किट है दैट रिमेन्स रिवर्स बायस्ड एट ऑल टाइम्स, देन वी कैन से दैट ट्रांजिस्टर जो है इट इज बायस्ड properly, ठीक है, for the faithful amplification or for the proper amplification of the input signal, ठीक है. So what we require the proper biasing. A proper biasing के लिए we require a proper selection of operating point. तो सबसे पहले हम देखेंगे about operating point कि हम कैसे जो है operating point को सेलेक्ट कर सकते हैं, या वी कैन से हमें कैसे ऑपरेटिंग पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो अब जब वो देख लेंगे हम तो उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे दैट हाउ टू प्रॉपरली बायस द ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू प्रॉपरली सेलेक्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट. ये चीज मैंने बताई दी थी, बायसिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है हमेशा रिवर्स बायस रहे. दैट मींस अंडर सच बायसिंग ट्रांजिस्टर जो है हमारा इट्स सेट टू बी इन द एक्टिव रीजन. ठीक है, नाउ अ लोड रेजिस्टेंस आर एल इज यूज्ड इन द कलेक्टर सर्किट व्हेन ट्रांजिस्टर इज टू वर्क एज एन एम्पलीफायर. जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे एज एन एम्पलीफायर तो कलेक्टर सर्किट में हम एक लोड रेजिस्टेंस आर एल को कनेक्ट करेंगे. अभी जो मैंने कॉमन एमिटर सर्किट दिखाया था उसमें लोड रेजिस्टेंस आर एल जो था दैट वाज कनेक्टेड. लोड रेजिस्टेंस आर एल की हमें क्यों जरूरत है, जो हम आउटपुट सिग्नल वोल्टेज जो हम मेजर करेंगे दैट विल मेजर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर एल. ठीक है, सो दैट इज वाई वी नीड अ लोड रेजिस्टेंस आर एल इन द कलेक्टर सर्किट और इन द आउटपुट सर्किट टू मेजर द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज. नाउ द डीसी लोड लाइन करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस आर एल एंड अ गिवन कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज वी सी सी इज शोन इन फिगर 8.3. द क्यूसेट पॉइंट और द ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज ऑन द लोड लाइन. देखो यहाँ पर हमने तीन ऑपरेटिंग पॉइंट कंसीडर करे. इफ आई एम कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट एट दिस पॉइंट ए, इफ आई एम कंसीडरिंग एट दिस पॉइंट बी, एंड इफ आई एम कंसीडरिंग एट दिस पॉइंट सी, तो क्या होगा. अब हम देखेंगे हाउ टू प्रॉपरली सेलेक्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द लोड लाइन, ऑन द डीसी लोड लाइन. अगर हम ए पर लेते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट तो क्या होगा, बी पर लेते हैं तो क्या होगा, सी पर लेते हैं तो क्या होगा. हम एक इनपुट एसी सिग्नल जो है अब अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट एट पॉइंट ए ले रही हूँ तो जो मेरा आउटपुट सिग्नल है वो प्रॉपरली एम्पलीफाई हो पाएगा या नहीं. फिर मैं देखूंगी कि जब हम बी पॉइंट पे हैं, व्हेन आवर ऑपरेटिंग पॉइंट इज एट दिस पॉइंट बी, फिर जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आया वो हमारा प्रॉपरली एम्पलीफाइड अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल आया या नहीं. ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल का मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए आउटपुट जब हम मेजर करेंगे. इसका मतलब क्या है, देखो हमने इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किया. ठीक है, अब हम आउटपुट जो है वो मेजर करेंगे अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल. हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर एम्पलीफाइड सिग्नल.
हमें एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए, तो हम जो आउटपुट सिग्नल मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो अब आउटपुट आया वो एम्पलीफाइड आया या नहीं. एम्पलीफाइड आने के साथ साथ देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन इट्स जर्नल शेप, मतलब वी शुड गेट द अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल एट द आउटपुट. सो द choice of operating point is very important to get the undistorted signal at the output. वो हम अभी देखेंगे कि how the choice of operating point is required to get the undistorted signal at the output. और हम C पे अगर लेंगे operating point को तो क्या होगा to the output signal. So now we'll study one by one. So let us consider three points A, B, C on the load line, and we'll see which of these points is most suitable as the operating point for the use of transistor as an amplifier. If we want to use the transistor as an amplifier, now we'll see that out of these three points A, B, and C, which one is the most suitable as the operating point. Now, when the static conditions are established in the transistor circuit, an AC signal voltage is applied to the input circuit. अब हमने क्या किया? Now we are applying the input AC signal. Input हमारा क्या है? Base current, ठीक है? तो अब input हमारा क्या है? Base. वहाँ पर जो current flow कर रहा है, the input current, that is the base current, ठीक है? हमने जो circuit लिया है, that is a common emitter circuit. Transistor हम ले रहे हैं NPN. ट्रांजिस्टर, ठीक है. कॉमन एमिटर सर्किट में एमिटर इज द कॉमन टर्मिनल बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, सो द इनपुट करंट इज द बेस करंट, ठीक है. जब हमने कोई एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो हमारा एक करंट आई बी जो है वो फ्लो कर रहा था. नाउ व्हेन वी अप्लाई द इनपुट एसी सिग्नल और व्हेन एन एसी सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड to the input circuit, then what happens? Because of this AC signal, base current जो है it will change. अगर बेस करंट हमारा चेंज होगा तो दैट मींस जो हमारा कलेक्टर करंट है वो भी चेंज होगा विद टाइम, ठीक है. सो द वेरिएशन इन कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर वोल्टेज और द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू वेरिएशंस इन बेस करंट्स, दे आर नाउ शोन इन द फिगर्स 8.4, 8.5 एंड 8.6 विद द ऑपरेटिंग पॉइंट्स एट ए बी एंड सी respectively. Now this is very important. अब हम one by one एक एक figure study करेंगे 8.4, 8.5 and 8.6. और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा operating point जो है it is the most suitable point for using the transistor as an amplifier. तो सबसे पहले we'll see the figure 8.4. जब हमारा operating point जो है it is at point A. अब देखो यहाँ पे जो हमारी figure बनाई है इसको थोड़ा सा change करना है, exam में इसमें थोड़ी सी गलती है. हमारा ये जो operating point होता है A, ठीक है, ये हमारा DC load line पे lie करता है, साथ के साथ ये point हमारा output characteristic curve को भी cut करता है एक particular point पे. मतलब किस तरीके का होता है operating point? देखो ये मेरा output characteristic curve है, ठीक है, ये मेरी डीसी लोड लाइन है. ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आए बिटवीन आईसी एंड बीसी और ये डीसी लोड लाइन है. तो इसमें जो है हम पॉइंट कौन सा लेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, ये पॉइंट लेंगे जो डीसी लोड लाइन को भी कट कर रहा है और आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व को भी कट कर रहा है. इन सब में से हम देखेंगे विच वन इज द मोस्ट सुटेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है. यहाँ पर इन्होंने सही बनाया है, पॉइंट ए जो है हमारा वो यहाँ पर है, ठीक है, जो इसको भी कट कर रहा है हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व को भी और डीसी लोड लाइन को भी. सिमिलरली बी पॉइंट जो है हमारा ये भी आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व को भी कट कर रहा है और डीसी लोड लाइन को भी. और यू कैन से द कॉमन पॉइंट बिटवीन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व एंड द डीसी लोड लाइन, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है. यहाँ पर इन्होंने जो है ये चीज गलत बनाई है. ए पॉइंट हमारा यहाँ है और कर्व यहाँ है, तो जब इसका कर्व बनाओगे ना तो उसको इस तरीके से बनाना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, ठीक है. ए पॉइंट जो है हमारा ये डीसी लोड लाइन को भी कट करना चाहिए और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी कट करना चाहिए, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो हमने जो है ये हमारा क्या बता रहा है, वेरिएशंस इन बेस करंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट एसी सिग्नल दैट इज अप्लाइड टू द बेस दैट इज अप्लाइड टू द इनपुट सर्किट. तो हमारा इनपुट करंट क्या है, बेस करंट. बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज और द एसी सिग्नल वोल्टेज, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसी सिग्नल वोल्टेज द बेस करंट चेंजेस.
ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन इन बेस करंट. तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेस करंट हमारा जो आईसी है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी अब काइंड ऑफ एसी की तरह बिहेव करेगा हमारा, क्योंकि जब इनपुट एसी है तो आउटपुट भी एसी आएगा. तो हमारा जो है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन बेस करंट वील हैव वेरिएशन इन कलेक्टर करंट एंड ऑल्सो वील हैव वेरिएशन इन कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. ये देखो इफ आई एम चूजिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट हियर देन दिस हैपन्स टू द कलेक्टर करंट एंड दिस हैपन्स टू द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा इनपुट में और पॉजिटिव साइकिल में इतना पोर्शन जो है वो क्लिप हो रहा है. सिमिलरली VCE में हमारा यहाँ पर इतना पोर्शन जो है वो क्लिप हो रहा है. दैट मीन्स वी आर गेटिंग द डिस्टॉर्टेड सिग्नल इफ वी आर कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट ए नियर द सैचुरेशन पॉइंट. दिस पॉइंट ए इज नियर द सैचुरेशन पॉइंट. सो इफ आई एम कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट एट ए दैट मीन्स नियर टू द सैचुरेशन पॉइंट देन व्हाट इज हैपनिंग द पार्ट ऑफ द आउटपुट करंट एंड द वोल्टेज इज कट ऑफ एट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द बेस करंट साइकिल. हमारा जो पार्ट ऑफ द पोर्शन है हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है दोनों ही केसेस में आईसी और वीसी में से उसमें पार्ट ऑफ द पोर्शन जो है इट इज क्लिप्ड ऑफ, इट इज कट ऑफ. सो वी कैन नॉट यूज द ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द सैचुरेशन पॉइंट. ये जो है हमारा दिस इज नॉट द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई कंसीडर द ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द कट ऑफ पॉइंट. ठीक है, हियर दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इज नियर द कट ऑफ पॉइंट. ठीक है, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है ना, इसके पास है. अगर ये हम ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहे हैं, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशंस इन बेस करंट. नाउ करस्पोंडिंग टू दिस वेरिएशंस इन बेस करंट देयर विल बी वेरिएशंस इन आईसी एंड वेरिएशंस इन कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. नाउ यहाँ पर क्या है, इफ आई एम कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द कट ऑफ पॉइंट तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो नेगेटिव साइकिल है उसका भी हमारा काफी पोर्शन जो है वो कट ऑफ हो रहा है, और यू कैन से काफी पोर्शन जो है वो हमारा क्लिप्ड ऑफ हो रहा है. सो दिस पॉइंट सी इज ऑल्सो नॉट द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन आई एम यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन सिग्नल एज एन एम्पलीफायर. इफ आई एम यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देन दिस selection of point A and point C, both the selections are wrong. These are not the proper selections of operating point because of the selection of operating point at A and C, we are getting a clipped output. We are getting a distorted signal at the output. Some of the portion jo hai that is cut off. जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट को ए के पास ले रहे हैं, इन दैट केस जो हमारा पॉजिटिव हाफ है उसमें कुछ पोर्शन कट ऑफ हो रहा है. जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट को सी के पास ले रहे हैं तो जो हमारा नेगेटिव हाफ है, जो नेगेटिव पोर्शन है, वहां पर जो है कुछ हमारा आउटपुट जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो रहा है. सो फॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट सी देयर विल बी क्लिपिंग एट द नेगेटिव हाफ फॉर बोथ द करंट एंड द वोल्टेज. So the output signal is not at all distorted when the operating point is at B. So we can say that point B is the most suitable point so that amplifier does not distort the input signal. अगर हम operating point को B पे ले रहे हैं, here B पे लेने का मतलब क्या है, that we are considering it at the center of the DC load line. If I'm considering the operating point at the center of the DC load line, then what happens? In that case, we get a proper undistorted output signal for both the current as well as voltage. यहाँ देखो जो हमारा current है उसका भी हमें complete portion जो है वो मिल रहा है, voltage का भी ना positive ना negative, कोई भी portion जो है वो clip off नहीं हो रहा. So here we can say that operating point should be located at the center of the load line to get an undistorted signal at the output. ठीक है? So here हमने अब क्या देखा, अगर मैं in short इस चीज को बताऊं, now it has been observed that under certain input signal conditions the location of operating point on the load line may cause
वन पीक ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू बी क्लिप्ड, या तो पॉजिटिव क्लिप हो जाती है या नेगेटिव क्लिप हो जाती है. इफ आई एम कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट लोकेटेड नियर द सैचुरेशन पॉइंट, देन व्हाट हैपेंस when I consider the operating point near the saturation point, then in that case जो positive peak है input signal की वो हमारी clip हो जाती है at the output. If I'm considering the operating point near the cutoff point, then in that case जो हमारी negative peak है वो हमारी clip off हो जाती है at the output. So and what we have seen that if I consider the operating point to be located at the center of this load line, then in that case we get an undistorted signal at the output. So which one is best? The best or the proper selection of operating point is at the center of the load line. Now ye humne dekh liya. Next, even if we select the operating point B in the middle of the load line, the distortion can take place in the output of the amplifier if the input signal is very large. अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो best selection है operating point का, that should be at point B. ये point हमें इतना important क्यों है? ये point हमारे लिए इसलिए important है, अगर हम transistor को use करना चाहते हैं as an amplifier, तो we need a proper amplification of the input signal and without any change in the shape of the input signal. That means जो हमें output मिल रहा है, that should be the undistorted output. वो हमें मिलेगा अगर हम operating point को in the middle of the load line जो है consider करें. ये हमने अभी देखा. लेकिन जो हम input signal apply कर रहे हैं उस पर भी depend करता है, ठीक है? अगर हम operating point को center पे ले रहे हैं load line के, still जो है distortion जो है वो हो सकती है in the output of the amplifier if the input signal is very large, जो हमें यहाँ पर दे रखा है. देखो, अगर हमने इनपुट सिग्नल इतना ज्यादा लिया, देन इन दैट केस जो हमारा वेरिएशन है कलेक्टर करंट में वो ऐसा होगा, और जो वेरिएशन है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज में वो ऐसा होगा. दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है दोनों में ही कुछ क्लिपिंग जो है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? सो द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज बोथ आर क्लिप्ड at the positive and negative of the cycle if we consider the input signal to be very large. So maximum input signal that a transistor can handle is decided by the choice of the operating point. तो हमने जो operating point choose किया, हमने वो choose किया at the center of the load line, ठीक है? और फिर हम जो इनपुट सिग्नल ले रहे हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है, और जो वी कैन से जो मैक्सिमम इनपुट सिग्नल हम ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी चॉइस ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट पे, कि सेंटर पे तो है ऑपरेटिंग पॉइंट, पर वो कितना मैक्सिमम इनपुट सिग्नल जो है हैंडल कर सकती है विदाउट क्लिपिंग द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज. देयर शुड नॉट बी एनी क्लिपिंग इन द पॉजिटिव as well as in the negative cycle of the output current and the output voltage. Then only we can get the undistorted output. Then only we can get the undistorted output signal. ठीक है? ये सबको clear है, I hope, कि हमारा जो है operating point जो है वो हमें कैसे select करना चाहिए, ठीक है? और ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद भी जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम कितना अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? सो व्हाई अ लोड लाइन इज रिक्वायर्ड. डीसी लोड लाइन हमने देखा हम कैसे बनाते हैं ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. इट इज अ लाइन बिटवीन आईसी एंड वीसीई, ठीक है? जो हमारे कट करता है एट टू एंड पॉइंट वीसीसी एंड वीसीसी अपॉन आर एल, ठीक है? और लोड लाइन जो है हमारी, जो लोड लाइन है दैट इज द डीसी लोड लाइन. दिस इज द एब्सेंस ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल. व्हेन वी कैन से दैट कंप्लीट डीसी कंडीशंस आर प्रिवेलिंग इन द कॉमन एमिटर सर्किट, देन वी हैव ड्रॉन दिस डीसी लोड लाइन, ठीक है? वहां हमने कट ऑफ पॉइंट देखा, सैचुरेशन पॉइंट देखा, और डीसी लोड लाइन जो है इसमें हर एक पॉइंट पे जो है वी गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है ऑन द लोड लाइन, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग
पॉइंट, ठीक है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे लोड लाइन पे, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है बिटवीन द डीसी लोड लाइन एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी ये कट करता है और डीसी लोड लाइन को भी ये कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है कलेक्टर करंट की और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की। अगर हम यूज करना चाहते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर, तो हमें जो है चूज करना पड़ेगा प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट सच दैट वी गेट अ कंप्लीट आउटपुट, वी गेट अ कंप्लीट अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल एट द आउटपुट। तो हमने ये देखा when we consider the operating point of a transistor in midway between the saturation and cutoff point, or you can say that when we consider the operating point of a transistor in this at the center of this load line, then in that case we can get the undistorted signal at the output. We cannot choose the operating point near the saturation point or near the cutoff point. और उसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि हमने ऑपरेटिंग पॉइंट जो है फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन वी आर कंसीडरिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, बट हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमने चूज किया है ये कितना मैक्सिमम इनपुट सिग्नल जो है हैंडल कर पा रहा है सो दैट वी कैन गेट अ अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये हमने अभी देखा। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, बायस स्टेबलाइजेशन। बायस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, इट मींस द ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट शुड रिमेन फिक्स्ड एट द इट शुड रिमेन एट द फिक्स्ड पोजीशन एंड मे नॉट चेंज विद द यूज ऑफ सर्किट ड्यू टू एनी कॉज। बायस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमने चूज किया वो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है इट शुड रिमेन एट द फिक्स्ड पोजीशन, वो हमारा जो है चेंज नहीं होना चाहिए। सो इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स द ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्कस्ड अबव मे नॉट रिमेन इन द फिक्स्ड पोजीशन एंड मे शिफ्ट विद द यूज ऑफ सर्किट। दिस विल मेक द सर्किट अनसुटेबल फॉर एम्पलीफिकेशन। हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, सो वी नीड अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट। पर क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, इट मे शिफ्ट विद द यूज ऑफ सर्किट। और अगर ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा, इट विल गो नियर टू द सैचुरेशन पॉइंट और इट विल गो नियर टू द कट ऑफ पॉइंट, देन इन दैट केस हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी द डिस्टॉर्टेड वन। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू फिक्स द ऑपरेटिंग पॉइंट, सो टू फिक्स द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हाट वी रिक्वायर and why this operating point is shifting. If it is shifting, then how we can stabilize this operating point? ये हम अब next देखेंगे कि अगर हमें transistor को use करना as an amplifier, तो operating point जो है it should remain fixed at some position. Position हमारी कौन सी है? That should be at the center of the load line. ठीक है, but there are some parameters in the transistor that are responsible for the shift in this operating point. So because of the shifting of the operating point, जो हमारा circuit है, it will become unsuitable for the amplification. तो पहले हम देखेंगे कौन-कौन से parameters जो हैं जो responsible हैं for the shifting of operating point. फिर उसके बाद हम देखेंगे how we can stabilize the operating point. So first हम देखेंगे कौन-कौन से parameters हैं that are responsible for the shifting of the operating point. Now the first thing जो है जो transistor parameters हैं हमारे that changes the transistor parameters हैं that change with the change in temperature. इसका मतलब क्या है, जो हमारा current flow करता है collector circuit में that means the collector current it produces heat at the collector junction. जैसे जैसे collector current हमारा flow होगा वो हमारा collector base junction जो है उसको heat up करेगा that means this will increase the temperature. अगर बढ़ेगा so इसका मतलब क्या है, जो हमारे covalent bonds हैं वो break होंगे सेमीकंडक्टर में, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो ब्रेक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे दैट मींस इट विल रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। जैसे जैसे हमारे चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे
इसका मतलब हमारा जो लीकेज करंट है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो बढ़ेगा। आईसी हमारा क्या होता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस आईसीओ, ये हमने लिखा है फॉर दी कॉमन एमिटर सर्किट। ये जो हमारा आईसीओ है ना यहाँ पे, दिस इज बेसिकली आईसीईओ, ये आईसीबीओ नहीं है, इसको करेक्ट कर लो, आईसीईओ है। एंड आईसीईओ इज आर वन प्लस बीटा ICBO और ICO भी हम कह देते हैं। ICBO हमारा क्या है, दिस इज द कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन। ICEO हमारा क्या है, दिस इज द कलेक्टर टू एमिटर करंट विद बेस ओपन। तो ये जो हमारा IC है कलेक्टर करंट, दिस इज द करंट इन द कॉमन एमिटर सर्किट। तो ये कहता है जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ता है, इट विल प्रोड्यूस अ हीट एट द कलेक्टर जंक्शन, हीट बढ़ने से इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो दैट विल रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे, दैट मींस वी हैव नाउ मोर नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट और द लीकेज करंट। अगर हमारा ICEO बढ़ेगा तो हमारा IC जो है वो भी बढ़ेगा, सो द इंक्रीज इन लीकेज करंट विल definitely result in the increase of collector current, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, तो ये जो हमारी equation है IC is equal to beta IB plus ICEO और IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into ICBO, ये equation क्या represent कर रही है, this equation is containing three variables, एक तो हमारा beta है current gain, एक IB है base current और एक ICBO है कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन। नो ये जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, ये जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं ये बढ़ेंगे। अगर ये बढ़ेगा तो दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ कलेक्टर करंट। अगर कलेक्टर करंट हमारा बढ़ा तो दिस विल कॉज द ऑपरेटिंग पॉइंट टू शिफ्ट टूवर्ड्स द सैचुरेशन पॉइंट, रिजल्ट्स इन क्लिपिंग एंड दी बैड डिस्टॉर्शन ऑफ दी आउटपुट। और कुछ केसेस में क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो है इट में इवन बर्न आउट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कलेक्टर करंट। तो हमें इस चीज का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो हमारा इतना ना बढ़े विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ने से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वाई क्यों बढ़ेगा, बिकॉज अगर हमारा कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट जो है बढ़ेगा। लीकेज करंट अगर हमारा बढ़ा तो हमारा कलेक्टर करंट जो है वो भी इन टर्न बढ़ेगा, और अगर कलेक्टर करंट हमारा बढ़ा तो इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द सैचुरेशन पॉइंट, दैट विल रिजल्ट इन द क्लिपिंग एंड द बैड डिस्टॉर्शन ऑफ द आउटपुट, एंड इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन द बर्न आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कलेक्टर करंट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है ये चीज, विद द इंक्रीज इन कलेक्टर करंट जो हमारा टेम्परेचर है इट विल फर्दर इंक्रीज, और ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा। कलेक्टर करंट हमारा कहाँ पे है, दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, दिस इज द डीसी लोड लाइन। अगर कलेक्टर करंट हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द सैचुरेशन पॉइंट, सो दिस मे लीड टू द डैमेज ऑफ द ट्रांजिस्टर एज इट मे बर्न ड्यू टू एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस्ड। और ये ट्रांजिस्टर जो है जो हमारा बर्न आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट और बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कलेक्टर करंट, इसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं द थर्मल रनअवे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था व्हाट इज थर्मल रनअवे ऑफ अ ट्रांजिस्टर, दिस इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर और इट इज द बर्न आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव हीट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कलेक्टर करंट। So the maintenance of the operating point is specified by stability factor. This indicates change in current due to temperature change. तो हमें ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसको मेंटेन करना है एट सम फिक्स्ड पॉइंट,
ठीक है, और वो हम किससे स्पेसिफाई करते हैं, वो हम स्पेसिफाई करते हैं बाय स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है उसको अभी हम आगे जो है देखेंगे, ठीक है। ये हमारा इंडिकेट करता है टेम्परेचर चेंज की वजह से जो करंट है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये हम अभी आगे देखेंगे। नाउ द अनदर फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज द करंट गेन बीटा। ये मैंने जस्ट अभी बताया था फर्स्ट पॉइंट में भी, जो हमारा बीटा है जो, और जो आई बी है और जो आई सी बी ओ है, ये तीनों ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। हमारा जो कलेक्टर करंट है उसको हमें जो है इतना, अगर कलेक्टर करंट हमारा इतना बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट होगा विद द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और हमने देखा जो हमारा कलेक्टर करंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थ्री वेरिएबल्स, बीटा बी, आई बी और सी बी ओ बी, और ये जो हमारे तीनों फैक्टर्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का, वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, कि हमारा जो कलेक्टर करंट है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने फर्स्ट पैरामीटर तो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारे ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स होते हैं दे चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने देखा आईसी जो है हमारा इट चेंजेस विद टेम्परेचर, वाई, बिकॉज ऑफ चेंज इन बीटा, आई बी एंड आई सी बी ओ, तीनों की वजह से ही कलेक्टर करंट जो है इट विल चेंज। सेकंड पॉइंट में हमने यही देखा, करंट गेन बीटा जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज डैमेज्ड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड बाय अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ द सेम टाइप, देयर पैरामीटर्स वेरी एंड द क्यू पॉइंट में शिफ्ट और द ऑपरेटिंग पॉइंट में शिफ्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये चीज भी देखी गई है कि दैट इन स्पाइट ऑफ द ट्रिमेंडस अचीवमेंट और इन स्पाइट ऑफ द ट्रिमेंडस एडवांसमेंट, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप विद अ लार्ज चेंज और विद अ लार्ज वेरिएशन इन पैरामीटर वैल्यूज जो है दे आर मैन्युफैक्चर्ड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट in spite of the tremendous advancement made in the semiconductor device manufacturing technology, some transistors of a particular type with a large range in parameter values are manufactured. Iska matlab kya hai, this variability is provided by the manufacturer in the data sheet where minimum, maximum and typical values of parameters jo hai wo hamare mentioned hote hain. ये जो है हमारा, दिस गिव्स राइज टू एन इनस्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। ये हमारा क्यों होता है, इसका मतलब देखो क्या है, इस लाइन का मतलब कि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, उसके बावजूद जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, दे हैव अ वेरी लार्ज वेरिएशन इन देयर पैरामीटर वैल्यूज। अगर हमारा कोई सर्किट जो है काम करते करते उसमें ट्रांजिस्टर अगर खराब हो जाता है, फिर हम उस ट्रांजिस्टर जो है उसको चेंज करते हैं बाय द अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ द सेम टाइप। हमारे जो ट्रांजिस्टर है जिससे हमने उसको रिप्लेस किया वो सेम टाइप का ट्रांजिस्टर है, स्टिल जो है देयर विल बी लार्ज वेरिएशन इन देयर पैरामीटर वैल्यूज। अगर उनके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होंगे, इफ देयर पैरामीटर्स विल वेरी, देन इट मीन्स जो उसका क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज हो जाता है और उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ द सेम टाइप, स्टिल जो है जो हमारा नया ट्रांजिस्टर आया उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे वेरी करते हैं। अगर पैरामीटर्स वेरी करेंगे, इसका मतलब जो हमारा क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ट्रांजिस्टर्स के, अगर वो हमारे वेरी होंगे देन दैट मींस हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारा आईसी चेंज होगा या वीसीई चेंज होगा तो हमारा क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा बीटा चेंज होता है या रिवर्स लीकेज करंट चेंज होता है, वो अगर चीजें चेंज होंगी तो हमारा कलेक्टर करंट चेंज होगा। इफ कलेक्टर करंट इज चेंजिंग देन दैट मीन्स हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इट इज शिफ्टिंग। So what we require a proper biasing of the transistor circuits. हमें जो है transistor जो है उसकी proper biasing जो है वो चाहिए। If we want to use the transistor as an amplifier, proper biasing का मतलब क्या है कि कोई भी change ना आए operating point में, वो हमारा active region जो है
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के उसके जो है एकदम सेंटर पे रहे, जो हम डीसी लोड लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी उसके सेंटर पे रहे ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज हमारा क्या है कि जो हमारा इनपुट सर्किट है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे, जो हमारा आउटपुट सर्किट है वो हमेशा रिवर्स बायस रहे, और हम ऑपरेटिंग पॉइंट जो है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, वो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट ना हो। दैट मींस जो हमारा कलेक्टर करंट है इट शुड बी स्टेबलाइज्ड सो दैट इट मे नॉट चेंज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। टेम्परेचर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारा कलेक्टर करंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाए, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से जो हमारा कलेक्टर करंट है वो चेंज ना हो, वो स्टेबलाइज रहे, क्योंकि अगर कलेक्टर करंट चेंज हुआ तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको हम इंडिपेंडेंट बना दें ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, सो दैट इट मे नॉट शिफ्ट इफ ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ सेम टाइप इन अ सर्किट। अगर हमारा सर्किट में एक ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर से, तो उस केस में जो है जो हमारा नया ट्रांजिस्टर है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा वो शिफ्ट ना हो। तो वो कैसे होगा, अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इफ इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं बाय अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ सेम टाइप, तो उस केस में क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। तो इससे पहले जो है तुम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। एक हमने आज क्या देखा कि हम ट्रांजिस्टर जो है उसको यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, बट उसको यूज करने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना है। इफ वी वॉन्ट टू यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी शुड नो वॉट इज अ डीसी लोड लाइन, वॉट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट and what is the proper selection of the operating point, what are the factors that are responsible for the shifting of operating point, humne ye ab dekha. So what do we require for the proper biasing of a transistor, or you can say what we require so that this operating point jo hai it may not shift. तो ये चीजें हमने अभी देखी, ठीक है। डीसी लोड लाइन कैसे बनाते हैं ये हमने देखा, when no input AC signal is applied, in that case we can construct a DC load line with the help of Kirchhoff's voltage law in the collector or the output circuit. फिर हमने ये देखा operating point जो है हमारा it should be selected at the center of the DC load line for getting the undistorted output signal if we want to use the transistor as an amplifier. उसके साथ साथ operating point तो हमें center पे choose करना है, उसके साथ साथ जो हमारा input signal है वो हम maximum कितना ले सकते हैं, वो transistor जो है कितना maximum input signal जो है handle कर सकता है to provide the undistorted output signal. फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट है इट मे शिफ्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। फिर हमने देखा कौन कौन से ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। फिर हमने ये चीज देखी अगर हम ट्रांजिस्टर जो है उसको रिप्लेस करेंगे बाय द ट्रांजिस्टर ऑफ द सेम टाइप, इन दैट केस ऑल्सो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट मे शिफ्ट। सो फॉर द प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर we need a proper stable operating point. So for this we require the collector current to be stabilized, we require the operating point should be independent of the transistor parameters so that it may not shift if we replace the transistor by some another transistor of the same type in a circuit. Now next we'll see the stability factor. As already discussed, there may be changes in the collector current and hence the operating point due to changes of temperature or the reverse leakage current and changes in the current gain beta of the circuit. हमने अभी क्या देखा, हमने अभी डिस्कस की ये चीज कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो रिवर्स लीकेज करंट भी बढ़ेगा, तो अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है या बीटा चेंज होता है करंट गेन, दोनों के ही चेंज होने से हमारा जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होता है, और अगर हमारा कलेक्टर करंट चेंज होगा तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट विल आल्सो शिफ्ट। तो अगर हमारा कलेक्टर करंट चेंज होगा देन
देन क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट होगा. ऑल्सो कलेक्टर करंट हमारा क्या था, दैट इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ. तो हमारा IC जो है इट कैन ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द बेस एमिटर वोल्टेज. वाई, अगर हमारी बेस एमिटर वोल्टेज चेंज होगी सो दैट मीन्स हमारा जो बेस करंट है वो भी चेंज होगा. अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग जो है एमिटर बेस जंक्शन की उसको चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उस केस में जो हमारा बेस करंट है वो भी चेंज होगा. और जो हमारा IC है दैट डिपेंड्स अपॉन द बेस करंट एज वेल. IC इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी बी ओ. तो आई सी जो है हमारा इट कैन चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन बीटा, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बेस एमिटर वोल्टेज हेंस द बेस करंट, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट. सो वी आर डिफाइनिंग अ स्टेबिलिटी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दीज चेंजेस. स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट. दैट मीन्स स्टेबिलिटी फैक्टर S इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ. ठीक है, हेयर आई सी ओ इज आई सी बी ओ. ठीक है, जहां हम आई सी ओ लिखते हैं वहां हम आई सी बी ओ की ही बात करते हैं. तो यहाँ पे जो इन्होंने ये आई सी ओ लिखा है ये गलत है. दिस इज नॉट आई सी ओ, दिस शुड बी आई सी ई ओ. ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट. एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन स्टेबिलिटी फैक्टर एज द रेट ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू द चेंज इन करंट गेन बीटा. And it can also be defined as rate of change of collector current with respect to the base emitter voltage. ये जो हमारे तीनों ही factors हैं, beta, VBE and ICBO. ये तीनों ही factors जो हैं, they are responsible for the change in collector current. And if collector current is changing, then definitely operating point जो है, it will shift. ठीक है, यहाँ पे लिखा है the large values of stability factors as defined above mean poor stability of the circuit. In fact, these are instability factors. ये कहता है कि एक तरीके से इनको जो है हमें instability factors कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि higher the value of stability factor, low will be the stability, poor will be the stability of the circuit. That means a higher value of stability factor S, S prime or S double prime. The higher value of stability factor indicates poor stability, whereas a lower value of stability factor indicates good stability. So in this sense, the stability factor should be called as an instability factor. Iski value jo hai, S ki value kam se kam honi chahiye to get the good stability of the circuit. ठीक है, सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी फैक्टर जो है हमारा इट इज अ मेजर ऑफ बायस स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट. ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ बायस स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट. ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग हमारी होती क्या है, दिस इज बेसिकली द प्रॉपर फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अ सिग्नल. जब हम कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल, उस केस में जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट ना करे, देन इन दैट केस वी कैन से दैट जो हमारा ट्रांजिस्टर है इट इज प्रॉपरली बायस्ड एंड स्टेबलाइज्ड. बायसिंग के साथ साथ वी शुड स्टेबलाइज द ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज द जीरो सिग्नल IC एंड VCE वैल्यूज ऑफ अ ट्रांजिस्टर independent of temperature changes or the variation in transistor parameters is known as stabilization. ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डीसी लोड लाइन क्या होती है, डीसी लोड लाइन पे वेयर वी शुड चूज द ऑपरेटिंग पॉइंट. हम डीसी लोड लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, दैट इज द जीरो सिग्नल IC एंड VCE वैल्यूज. ठीक है, हमें IC और VCE की ऐसी वैल्यू जो है वो हमें सेलेक्ट करनी है,
उस सिलेक्शन को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं जो हम डीसी लोड लाइन पे सेलेक्ट करते हैं, जो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है आईसी एंड वीसीई वैल्यू ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। और वो पॉइंट हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जब हम इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करें टू यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, देन इन दैट केस वी शुड गेट एन अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल एट द आउटपुट, हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसकी शेप में कोई चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, जब हमारा आउटपुट सिग्नल अनडिस्टॉर्टेड हमें मिल रहा है, व्हेन वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट इज प्रॉपरली सिलेक्टेड। नेक्स्ट थिंग, ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद उसको स्टेबल भी रखना है, दैट मींस वी शुड मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। जब हमारा ये हो जाएगा, व्हेन द ऑपरेटिंग पॉइंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर चेंजेस एंड द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, देन we say that it is stabilized, ठीक है? So the transistor biasing is the proper selection of operating point to get the undistorted signal at the output. Next, transistor stabilization क्या होता है? To make the operating point independent of the temperature changes or the variation in transistor parameters. ठीक है, एंड दैट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। सो हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, इट विल इंडिकेट द पुअर स्टेबिलिटी ऑफ द सर्किट, वेयर एज द लोअर वैल्यू इंडिकेट्स गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब ये चीज देखी, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स। नाउ इट इज डिजायरेबल दैट ट्रांजिस्टर सर्किट जो है हमारा, इट शुड हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर बायसिंग बोथ द एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। व्हाई? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंपलिसिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, हमें एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट चाहिए होता है जिसमें हमारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई हो, दैट विल बायस बोथ द एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ बायसिंग द ट्रांजिस्टर सर्किट्स। ठीक है, वी शैल नाउ डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ बायसिंग ऑफ द सर्किट्स टू ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, सो दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।